हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे। आई मीन जनरली वन ऑफ द पॉपुलर वीडियोस जो मेरे इसमें हैं वो हाइट से रिलेटेड है, और काफ़ी कई बार सुन के या समझ के लगता है या तो लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। मैं अभी आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, शॉर्ट में मेरी हाइट अभी भी वहीं 172 में स्टक है। और प्लस मैं कोई एक्सरसाइज जिम अभी भी नहीं गया हूँ, अब मेरा ये प्लान है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हो गई शॉर्ट में अपडेट। अब क्वेश्चन ये है कि जनरली मैं क्या करता हूँ, जो भी सारे कमेंट्स आते हैं मैं हर कमेंट्स को आंसर करता हूँ, और प्लस जो जो मुझे क्रिटिकल लगता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता जाता हूँ। तो लेट्स पहले उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं ताकि क्लेरिफाई हो। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट अपने बारे में बता देता हूँ। पहले मेरी वेट ना, क्योंकि जब 167 के हिसाब से देखा जाए तो वेट जो था मेरा 70 kg था, तो मैंने उसे ड्रास्टिकली पहले 60 kg को रिड्यूस किया, फिर वो 65 चला गया, फिर वापस आज की डेट में 60 kg है। जब वो 70 था और वो 60 में हुआ था, दैट वॉज ड्यू टू सम अदर रीजन्स। तब मैंने कोई थोड़ा यू नो फास्टिंग थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, और आपने देखा होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। कई केसेस में उन्होंने बोला कि एक हफ्ते तक भी करे तो 1200% बढ़ जाती है ग्रोथ हार्मोन इन ब्लड, है ना। अच्छा, और ब्लड की टॉक्सिन क्लियर करने के लिए मैं उन दिनों टर्मरिक, जिंजर और टी, जो कि आज के डेट में अगर ये फ्लूस होते हैं इनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, राइट, तो वो भी लिया करता था। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड, क्योंकि हो सकता है ऑड इवन आउट हो, क्योंकि जब मैं यंग था, लेट्स से अराउंड 20, तो आई रिमेम्बर मेरी वेट जनरली 55 होता था, और आज मैं 43 हो गया हूँ और अभी 60 है, आज की डेट में 60 है, यू नो बीच में 70 तक भी गया था। इनफैक्ट आज से 3-4 महीने पहले 65 था, फिर 1-1.5 साल पहले वापस 60 था, बहुत पहले भी गया, मतलब थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो 70 तक था, राइट। जब 70 था तब तो मुझे पता है मैं फास्ट फूड और ये सब चीज़ें भी लेता था, और उन दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आना था, और प्लस मुझे हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाना था, तो उस चक्कर में मैंने कई चीज़ें छोड़ भी दी और कई चीज़ें अपना भी ली, जिसलिए मैंने कहा ना कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हैविंग ए हेयर ट्रांसप्लांट टाइप। तो अच्छा, मेरे केस में जो अब मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ जो जो मैंने इसमें पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो नटशेल में है, इम्पॉर्टेंट इज ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको एक्टिवेट करना है, ये गेम है सारी। अब वो कैसे एक्टिवेट होगी, किस केस में होगी, वो सारे मल्टीपल कई रीजंस हो सकते हैं, मैं तो अपना सिर्फ लेट्स से एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे को क्या लगता है मेरे केस में क्या वर्क किया होगा, कि क्योंकि मैं तो शिलाजीत टाइप लेता था फॉर टेस्टोस्टेरोन, जैसे 20s में जो लोग होते हैं लड़के स्पेशली उनके हाई होते हैं, लड़कियों के लिए इसका एक सतावरी टाइप का आता है, उसका भी मैंने लिंक डाला हुआ है, वो आयुर्वेदिक वे है कि वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। फिर मैं अश्वगंधा लिया करता था, और नाइट में सोने से पहले इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चला के सो जाता था, कई बार मेडिटेशन म्यूज़िक चला लिया, कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशली वही मैंने हाइट का ही म्यूज़िक चलाया, बट यू कैन चला सकते हो। आइडिया इज़ कि यू शुड स्लीप साउंड, मतलब अच्छे से सो जाओ ताकि यू नो मतलब क्या बोलते हैं नींद आए। फिर हेयर विटामिन, मल्टी विटामिन लेता था, तो उसमें काफ़ी सारे लेट्स से न्यूट्रिएंट्स होते थे, तो उससे भी आई थिंक हेल्प हुई। और प्लस मैं ये ना एग्स, सॉफ्ट बॉयल एग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर ऑमलेट नहीं, हार्ड नहीं, सॉफ्ट बॉयल एग, एकदम भी सॉफ्ट नहीं, मीडियम। तो मशीन मिलती है, मशीन में डालोगे तो ये में उसमें तो वैसा ही पकता है, तो मैं तो 3-4 अंडे खाया करता था, अब थोड़े कम हो गए हैं, अब इतना ज़रूरत महसूस नहीं होती, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हड्डियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और ये सब चाहिए होता है ना, और उसमें वो फुलफिल करते हैं। हाँ, मैं वॉक बहुत किया करता था, और मैं एक ना ये लगा लिया था मैंने स्ट्रेटनर, क्योंकि हम लोग जैसे कंप्यूटर की दुनिया में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अब उस वक्त मुझे ये पता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट मैंने हाइट के हिसाब से तो नहीं किया था, क्योंकि हम जब ऐसे वो टेबल में बैठने तो यू नो स्पाइनल कॉर्ड डाउन हो जाती है, तो
किसी ने मुझे ऑफिस में सजेस्ट किया था कि यू कैन कीप इट, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट बॉडी विल बी यू नो इन ए कम्फर्टेबल पोजिशन, तो एटलीस्ट ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं रहेंगे। अब वो भी शायद उसने हेल्प किया होगा। तो उसी का ही रिलेशन अगर हम आसन वासन के हिसाब से, जैसे ताड़ासन हो गया या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, राइट, तो वो भी एक तरह से उसका भी पार्ट है, तो समहाउ वो भी है। बाकी मैं तो ड्रिंक मैंने बंद कर दी थी, स्मोकिंग मैं करता नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली फास्ट फूड और ये सब मैंने अवॉइड किया इस पर, और इंक्लूडिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जो कोला वोला और ये सब होते हैं ना, जैसे जो प्योर जूस ना वो भी अवॉइड है ना, इवन जो ये मिक्स होते हैं ना जैसे ट्रॉपिकाना टाइप, वो भी कोई प्योर नहीं है ना, या फ्रूटी टाइप, राइट, तो शुगर हटा दो अपने उसमें से, राइट, तो ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने किया था उस वक्त और कर रहा था, मतलब ये तो उसी का ही पार्ट है। फिर मैंने आपको वो शालिनी मैम का वीडियो का लिंक दिया था, कई बार वो लिंक अवेलेबल नहीं होता, तो मैंने क्या किया, कहीं से मुझे ब्लॉग मिला तो मैंने उसकी डिटेल का लिंक डाल दिया था। तो उसका भी बॉटम लाइन वो है कि उसमें काउंच इम्पॉर्टेंट है। मैंने काउंच भी ट्राई किया था बट मैंने ज़्यादा नहीं ट्राई किया ऑनेस्टली मेरा स्पीकिंग, क्योंकि आई एम ए लेजी पर्सन इन जनरल, तो लेजी हूँ इसलिए अभी तक स्ट्रेचिंग भी नहीं करी। अब नेक्स्ट गोल है थोड़ा बॉडी शॉडी बनाएंगे, है ना, जिम विम काफ़ी लोगों को मैंने देखा। अब एक और है, हाँ, क्योंकि मैं ना उन दिनों ब्रेकफास्ट स्किप करता था, वैसे भी मैं बाय नेचर काफ़ी ब्रेकफास्ट स्किप ही करता था टिपिकली, लेकिन उन दिनों ज़्यादा था और अभी भी है ही। तो इट्स ए वेल नोन कि जो इंटरमीटेंट फास्टिंग करते हैं उसमें ब्लड लेवल में अगर आप एक हफ्ता भी करो तो 3 दिन में बोलते हैं ना 300 गुना बढ़ जाता है, और एक हफ्ते में 12 गुना बढ़ जाता है एज़ पर द साइंटिफिक स्टडी, तो वो भी कुछ कोरिलेशन हो, है ना। ये सब मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई देखो, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीज़न मुझे भी नहीं पता, है ना, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकता हूँ। और वन ऑफ द की रीज़न मुझे ये लगता है कि मैंने साइमल्टेनियसली वेट भी ऊपर से नीचे रिड्यूस किया था, और प्लस ये जो इंटरमीटेंट फास्टिंग और ये जो फूड वूड्स का जो मैंने चेंजेस किए थे, तो उससे कुछ यू नो इम्पैक्ट आ गया। और मैंने ऐसे अंकुर एक है यूट्यूबर, उसके भी वीडियो लगाए, उस वो तो ज़्यादा ब्लंटली बताता है कि क्यों ऐसे वेट बढ़ता है, कैसे नहीं बढ़ता, क्यों बढ़ना चाहिए। और काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत स्कैमस्टर भी हैं, तो उनसे भी बच्चे के रहना चाहिए। देखो, आइडियल एज हाइट की इन जनरल अगर मुझसे पूछो तो 25 तक ही होती है टिपिकली, राइट, पर वो उन लोगों के लिए ज़्यादा ट्रू है जो लेट्स से जिन्होंने यू नो जिम एक्सरसाइज इन पे फोकस किया। मैंने तो कभी नहीं किया। इवन जो वो लड़की थी जिसका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, जिसकी प्रेगनेंसी के बाद हाइट बढ़ी थी, उसने भी कभी जिम एक्सरसाइज ये सब थोड़ा ना किया था अपनी लाइफ में, है ना। तो अगर वो नेचुरल कुछ चीज़ें डेवलप हो गई तो शायद वो एक स्पर्ट रह गया था, वो कुछ हिडन रह गई चीज़, वो बढ़ गई। That is what I can now think of, क्योंकि ये भी एक करेक्ट बात है कि सबकी तो हाइट नहीं बढ़ सकती ना हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि जैसा मेरी स्टेबल है तो स्टेबल है ना, अब थोड़ी ना बढ़ रही है, राइट, लेकिन ये डेफिनेट है कि एटलीस्ट जो प्योर जेनेटिक्स नहीं है, क्योंकि जो भी ट्विन्स हैं, मैंने उसका भी लिंक डाला था, मतलब वो भी दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम तो होती नहीं, कोई एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ना, कुछ ही केसेस में होती है सेम। और दूसरा खाना, क्योंकि कई बार खाना पीना अगर एक का अलग हो जाएगा तो और भी फर्क हो जाता है। फिर ये जो स्टडीज़ हैं जापान में भी हाइट बढ़ी, ये सब बढ़ी, जैसे जैसे प्रोटीन फूड में आया, मतलब स्पेशली एग टाइप, तो उससे भी यू नो वो जो बोन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो हेल्प करता है, राइट। तो इसलिए हमें मतलब ये स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए कि हाइट नहीं बढ़ सकती, हाइट बढ़ सकती है डेफिनेटली। क्या हाइट हमेशा बढ़ती रहेगी? ऑब्वियसली हमेशा नहीं बढ़ सकती, जो आपका पोटेंशियल है वही बढ़ेगी, राइट। तो पोटेंशियल में बढ़ने का तरीका वही है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जो मोस्टली अगर आप ध्यान दोगे, ये छोटी सी मेरी माइन्यूट सी ऑब्जर्वेशन है, जनरली जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में एक्सरसाइज जिम ये सब नहीं किया ना, उनके शायद चांस, और हेल्दी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं और ये जो स्लीपिंग और ये सब का टेक केयर कर रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है ना, बिकॉज दे प्रोबेबली दे देर इज समथिंग हिडन स्टिल। बट अगर कोई 25 साल से कम है और वो ये सब चीज़ें ऑलरेडी कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट बढ़नी चाहिए,
एटलीस्ट दैट पर्सन शुड रीच टू द नॉर्मल, जो भी मैक्सिमम उसका पोटेंशियल है उस तक पहुंचना चाहिए। तो ये मेरी समरी है, जो भी एफएक्यूज आए थे उसमें से मैंने आपको मोटा मोटा अब वर्बली मैंने बता दिया, वैसे तो लिख के मैं जितना हो सकता है बताता रहता हूँ। तो काइंड ऑफ ये अपडेट्स हैं। ऑब्वियसली आपको नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए, नेचुरल चीज़ों पे ही जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नेचुरल होता है और वही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने जो लिंक्स हैं वो आयुर्वेदिक वाले भी लिंक डाले हैं, आप ध्यान दे सकते हो। और ये सब वेल नोन है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कई लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, कई नहीं करते। अगर मैं अपनी फैमिली ट्री में भी देखूँ तो मान लो मेरे फादर के साइड में अगर मान लो वो लोग कितने 10 भाई बहन थे, तो सबकी हाइट सेम थोड़ी ना थी, राइट। मेरी हाइट मेरे फादर से ज़्यादा है, अब तो और ज़्यादा हो गई, लेकिन उन्हीं की फैमिली में उनके सबसे छोटे भाई हैं, उनसे मेरी हाइट अभी भी कम है, वो तो ऑलमोस्ट 6 feet प्लस है, करेक्ट। तो व्हाट वर्क्स व्हाट डज नॉट वर्क आई कैन नॉट कमेंट। अब सिमिलरली आप सचिन तेंदुलकर उनके वाइफ को देख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अर्जुन तेंदुलकर जो अब IPL में भी खेल रहा है, उसकी हाइट देख लो, कौन कह सकता है, मतलब सेम है, राइट। और उसकी हाइट का रीज़न यही है क्योंकि सचिन को क्लियर था कि उसको बॉलर बनाना है और लेफ्ट आर्म जो भी है वो, ताकि बॉलिंग एक्शन ऊपर से अच्छी फास्ट बॉलिंग हो। तो ऑब्वियसली उसने शुरू से डाइट में ध्यान रखा होगा ना। अब उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करी, अगर आज वो डिटेल शेयर करेंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये तो आँखों के सामने है ना, गेट इट, मतलब वो बताते नहीं, अगर बताएं तो दुनिया को भी समझ में आए कि हाइट बढ़ती है। और ये जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ जेनेटिक होता है, ये बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं कि अगर होता तो ट्विंस जो होते हैं उनकी हाइट एग्जैक्ट सेम होती, सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है उसकी हाइट कभी बड़ी नहीं होती अपने पेरेंट्स से, मेरी हाइट भी अपने पेरेंट्स से बड़ी नहीं होती। इतने सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अपने पेरेंट्स से हाइट बड़ी है। और एक चीज़ छोटी सा नोट, क्या हाइट बड़ी होना अच्छी बात है इन जनरल? नॉट नेसेसरी, राइट। क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा होगी और आपका हार्ट वीक होगा तो पंप भी तो करना है ना, ब्लड फ्लो भी तो पंप करना है। और आई थिंक जो एक्सट्रीम है 6 feet प्लस है वर्ल्ड में, आई एम नॉट श्योर, मैंने डेटा नहीं चेक किया, बट मुझे नहीं लग, परसेंटेज वाइज इट विल बी वेरी माइन्यूट, सिंगल डिजिट में नंबर होगा जिनकी हाइट 6 feet प्लस होती होगी। और लेकिन फिर उस केस में तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए आप ध्यान दोगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है उनकी डेथ अर्ली होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, अमिताभ बच्चन ऐसा नहीं, उनकी डेथ हो गई है, राइट, बट देन ही हैज़ द ऑल द इको सिस्टम राइट टू टेक केयर। लेकिन फिर तुम्हारा बॉडी शॉडी पंप वम्प ये सब मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आई थिंक बेस्ड ऑन जो भी इतने छोटे छोटे फीडबैक्स आए थे मैंने सोचा ये कवर कर लिए जाए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सारी हाइट के अपडेट हैं, बाकी मेरे बाल यहाँ भी आना शुरू हो गए हैं, काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, विच इज़ गुड, सामने भी ग्रो हो रहे हैं, तो ये सब उसी का ही रिजल्ट है। अब आप ध्यान से देखोगे, ये जैसे अब स्किन है मेरी, यहाँ पे भी कोई रिंकल्स थोड़ी ना दिख रहे हैं, या ब्लैक या वैसे। अब लोग बोलेंगे भाई 40s में ऐसा कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, हम तो जानते हैं सबके रिंकल्स होते हैं, ये होते हैं, भाई नहीं है तो नहीं है ना, करेक्ट। तो ये सब स्टोरीज हैं। ओके, सो मैंने अपने पर्सनल थोड़ा ऑब्जर्वेशन शेयर्स करी हैं, होपफुली इट विल मोटिवेट यू, मे गिव सम आइडियाज़, एंड थैंक यू वेरी मच।